हाय इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या होते हैं इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ये कितने तरह के होते हैं यानी टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स ठीक है और सलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स ठीक है इनको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सी डी वर्क्स ओके और मैंने इरिगेशन सब्जेक्ट पे अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं उन सारी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो नहीं तो आप इधर आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इधर इरिगेशन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप उधर से भी देख सकते हैं ओके तो ये तो है हमारी डेफिनेशन जो मैं एग्ज़ाम में छापनी अगर पूछता है तो ठीक है एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ In an irrigation project, when the network of main canals, branch canals, etc., are provided, then these canals have to cross the natural drainages like rivers, streams, nalas, etc., at different points within the command area of the project. The crossing of the canals with such obstacles cannot be avoided. So, suitable structures must be constructed at the crossing point for the easy flow of water of the canal and the drainage in the respective directions. दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रॉस ड्रेनेज वर्कस ओके ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है अब आपको एक सिंपल एग्जाम्पल uh, लेके समझाता हूँ ठीक है ये कोई हमारी रिवर है ओके ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और ये कोई हमारा कैनाल है ये ऐसे फ्लो कर रहा है ठीक है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ओके तो हम लोग हम लोग क्या इस चीज़ को तो अवॉइड कर नहीं सकते ठीक है कि रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और कैनाल ऐसे फ्लो कर रही है तो इसको अवॉइड तो कर नहीं सकते हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं ये कैनाल ऐसे फ्लो कर रही है ना तो हम लोग एक तरह से इधर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं ठीक है यानी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो एक तरह से इधर हम लोग ब्रिज बना देते हैं ताकि कैनाल उस से फ्लो कर सके ओके और दोनों आराम से फ्लो कर सके, यानी ड्रेनेज यानी रिवर वगैरह भी फ्लो कर सके और ये कैनाल भी फ्लो कर सके ठीक है तो उस स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्रॉस ड्रेनेज वर्कस बोलते हैं ओके तो वही मैंने बोला है इधर के स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स ठीक है यानी क्लास उस ब्रिज को ही बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स ओके मैं आपको बताता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है नेसेसिटी ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स ओके तो पहला पॉइंट क्या बोलता है द दबस्टिकल्स लाइक नेचुरल ड्रेनेजेस मे बी प्रेजेंट अक्रॉस कैनाल सो क्रॉस ड्रेनेज वर्क मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर रनिंग द दरिगेशन सिस्टम ठीक है यानी क्या कोई भी हमने हमारी कनाल है ठीक है तो क्या रिवर वगैरह यानी कोई भी एक ऑब्स्टिकल्स प्रेजेंट होती है उधर ठीक है अगर बाई चांस प्रेजेंट है उधर तो इरिगेशन सिस्टम को रन करने के लिए यानी कैनाल को रन करने के लिए हम लोग उधर ये एक सी डी वर्क करते हैं ओके पहला पॉइंट तो ये बोलता है अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है ऐट दी क्रॉसिंग पॉइंट दी वाटर ऑफ दी कैनाल एंड द ड्रेनेज गेट इंटर मिक्सड सो फॉर दी स्मूद रनिंग ऑफ दी कैनाल विद इन इट्स डिजाइन डिस्चार्ज दी सी डी वर्क आर रिक्वायर्ड ठीक है तो क्या जैसे कि कोई भी क्रॉसिंग पॉइंट है जैसे क्रॉसिंग पॉइंट है मान लो ठीक है तो उधर क्या दोनों का पानी मिल रहा है ठीक है पानी मिल रहा है तो क्या वो अपने डिजाइन डिस्चार्ज पर जो कैनाल है हम लोगों ने डिज़ाइन डिस्चार्ज उसका किया है जो ठीक है तो उस पर रन नहीं कर पाएगी क्योंकि पानी तो मिल रहा है एक तरह से तो हम लोग सी डी वर्क इसलिए बनाते हैं ताकि ये अपने रास्ते जाए ये अपने रास्ते जाए दोनों मिले ना और यह जो अपनी कैनाल है वो डिजाइन डिस्चार्ज पे रन कर सके ओके तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है थर्ड पॉइंट क्या बोलता है सी डी वर्क आर प्रोवाइडेड टू मेंटेन नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो हाँ ये भी सही है कि ये कोई हमारी रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और ये कैनाल इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ठीक है तो ये दोनों अपने अपने डायरेक्शन में फ्लो कर सकें इसलिए हम लोग सी डी वर्क्स करते हैं ओके अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स ठीक है हम लोग देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स ओके पहला टाइप क्या है कैनाल पास ओवर द ड्रेनेज ठीक है यानी कोई हमारी रिवर है और ये कोई कैनाल है ठीक है तो ये कैनाल ऊपर से आ रहा है ड्रेनेज के यानी ड्रेनेज मतलब ये रिवर वगैरह के ऊपर से जा रहा है ठीक है इसके दो तरह के होते हैं ये एक्विडक्ट और साइफन एक्विडक्ट ओके टाइप टू ड्रेनेज पासिस ओवर कैनाल यानी ये कोई कैनाल है और ये हमारा ड्रेनेज है यानी ड्रेनेज ऊपर से आ रहा है और कैनाल नीचे से आ रही है ठीक है ये दो तरह की होती है सुपर पैसेज और साइफन सुपर पैसेज और कैनाल साइफन ओके उसके बाद टाइप थ्री ड्रेनेज एंड कैनाल एट सेम लेवल यानी ये हमारी ड्रेनेज ये कोई रिवर है और ये हमारा कैनाल ये दोनों सेम लेवल पे हैं ओके तो ये दो तरह की होती है लेवल क्रॉसिंग और इनलेट और आउटलेट इनलेट एंड आउटलेट ओके अब एक एक करके हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं पहला टाइप लेते हैं कैनाल पासिस ओवर दी ड्रेनेज ठीक है यानी ये ड्रेनेज है और ये कैनाल है ये ऊपर से आ रही कैनाल ड्रेनेज के ओके तो पहला टाइप क्या है इसमें एक्विडक्ट तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है इस टाइप का जो होता है ये हमारा एक्विडक्ट होता है ओके एक मैं आपको बेसिक पॉइंट और बता दे रहा हूं ओके दल वाटर लेवल इज रेफर एज एफ एस एल एफ एस एल का फुल फॉर्म क्या होता है फुल सप्लाई लेवल एंड वाटर लेवल इज रेफर्ड एज एच एफ एल हाई फ्लड लेवल ओके यानी जो हमारा कैनाल का होता है ना पानी का लेवल उसको हम लोग एफ एस एल बोलते हैं और जो हमारा ड्रेनेज यानी रिवर वगैरह का जो लेवल होता है ना पानी का उसको हम लोग एच एफ एल बोलते हैं ओके okay. इसका भी एक बहुत सिंपल रीजन है क्यों बोलते हैं हम लोग एस एफ एल एफ एस एल इसलिए बोलते हैं यानी फुल सप्लाई लेवल क्योंकि कैनाल है केनाल आप, अपने हाथ में उसको कितना सप्लाई करना है कितना सप्लाई नहीं करना कैनाल में पानी ठीक है तो इसलिए सप्लाई शब्द आता है इधर के फुल सप्लाई लेवल और ड्रेनेज में आता है एच हाई फ्लड लेवल तो कैसे नदी वगैरह उसमें तो फ्लड वगैरह आता है ना तो अपने हाथ में तो है नहीं इसलिए हम लोग उसको हाई फ्लड लेवल बोलते हैं ओके okay? तो अब हम लोग देख लेते हैं ये एक्विडक्ट क्या होता है ठीक है वेन दी एच एफ एल ऑफ दी ड्रेन इज सफिशेंटली ब्लो दी बॉटम ऑफ दी कैनाल सच दैट दी ड्रेन वाटर फ्लो फ्रीली अंडर ग्रेविटी एंड प्रोसेसिंग एटमोसफियर प्रेशर प्रेसर स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्विडक्ट ओके इसका मतलब ये है कि कि जो रिवर का एच एफ एल है यानी ये रिवर है हमारी ये रिवर है हमारी इसका एच एफ एल और एक कैनाल का एफ एस एल ठीक है कि जो रिवर है रिवर का एच एफ एल है ना वो सफिशेंटली नीचे है कैनाल के नीचे से कैनाल के बॉटम से इधर से यानी रिवर का एच एफ एल ये कैनाल का बॉटम है ना इधर से इसके सफिशेंटली नीचे है ठीक है यानी इनके बीच में क्लियर डिस्टेंस यानी ये काफी जगह है ठीक है यानी दोनों के बीच में क्लियर डिस्टेंस है ओके तो ये तो होता है हमारा एक ठीक है यानी इसमें क्या है कि रिवर हमारे नीचे से आ रही है रिवर हमारे नीचे से आ रही है और कैनाल ऐसे आ रहा है ठीक है तो हम लोग एक तरह से ब्रिज बना देंगे तो कैनाल उस ब्रिज पे चलता जाएगा अपना पानी ठीक है कैनाल का पानी इस ब्रिज पे चलता जाएगा ठीक है और इन दोनों के बीच में होता है एक तरह से क्लियरली डिस्टेंस होता है क्लियर डिस्टेंस होता है इनके बीच में डिस्टेंस होता है ओके तो ये तो होता है हमारा एक्विडक्ट ठीक है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा या आपको इमेज में दिख रहा होगा कि इस टाइप का हमारा एक्विडक्ट होता है ठीक है ये साइड में रोड बनाते हैं ताकि इंस्पेक्शन वगैरह हो सके ठीक है आराम से देख सकें ये छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने कि रिवर हमारी जा रही है नीचे से और कैनाल ऊपर से जा रहा है ओके तो ये होता है हमारा एक्यूटेक्ट इसका सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि दी कैनाल वाटर इज कैरीड अक्रॉस दी ड्रेनेज इन आर ट्रफ सपोर्टेड ऑन पियर्स ब्रिज कैरिंग वाटर ठीक है वही मैंने आपको बता ही दिया ये कि जो हमारा ब्रिज होता है वो पानी ले आता है एक तरह से कैनाल का सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो और इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है यानी कैनाल के बॉटम में और रिवर के एच में ठीक है और इधर क्या होता है ये जो पानी होता है ये एटमोसफेरिक प्रेशर होता है उसमें ठीक है एटमोस्फेयरिक प्रेशर होता है और जो अपना पानी है वो ग्रेविटी पे करता है ग्रेविटी चलता है यानी ये लिखा है ना वाटर फ्लोस फ्री अंडर दी ग्रेविटी, ओके इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड साइफन एक्विडक्ट। एक बार मैं इसका पॉइंट पढ़ दे रहा हूं कि इन दी साइफन एक्विडक्ट कैनाल वाटर इज कैरीड अबव अब दी ड्रेनेज बट दी एच एफ एल ऑफ ड्रेनेज इज द कैनाल ट्रफ दी ड्रेनेज वाटर फ्लोज अंडर साइफिनिक एक्शन एंड देयर इज नो प्रजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर इन दी नेचुर ड्रेनेज ओके तो साइफन एक्ट में क्या होता है एक तरह से तो कैनाल का पानी है जो कैनाल का पानी है वो तो ऊपर तो चलेगा ही चलेगा लेकिन क्या है जो स्ट्रीम का यानी जो रिवर है ठीक है रिवर का एच एफ एल जो होता है ना वो कैनाल के बॉटम के नीचे नहीं होता वो इधर होता है ठीक है यानी रिवर का जो एच एफ एल है ना वो कैनाल के ट्रफ के ऊपर होता है ठीक है और ये जो पानी है ना ये साइफनिक एक्शन के थ्रू फ्लो करता है साइफनिक एक्शन में आपको समझा दे रहा है एक तरह से सिंपल एग्जाम्पल में कि ये कोई ग्लास है ठीक है ये कोई हमारा पाइप है ये ग्लास अपना भरा हुआ है ठीक है और ये ग्लास कम भरा हुआ है ठीक है तो जब ये ट्यूब है यानी जो पाइप है ये पाइप जब पूरा पानी से भर जाएगा ना तो सक्शन की हेल्प से ठीक है सक्शन की हेल्प से ये पानी इसमें आता रहेगा कब तक आता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर लेवल पे नहीं आ जाते है। ठीक है ये होता है हमारा साइफनिक एक्शन आप एक बार गूगल करके और देख लें अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा उधर से ठीक है कि इधर एक तरह से सक्शन क्रिएट हो जाएगा तो ये इधर का के मान लो कि इधर का सपोज कि ये पानी का लेवल बढ़ता जाता है उधर मान लो कि ये कम हो जाता है इधर ठीक है तो साइफनिक एक्शन की मदद से ये पानी इधर जाता रहेगा लगे जब तक इनका लेवल दोनों तो का बराबर ना हो जाए ओके और इधर एटमोसफेरिक प्रेशर नहीं होगा देर इज नो प्रजेंस ऑफ एटमोसफेरिक प्रेशर ओके तो ये होता है हमारा साइफिनिक एक्विडक्ट आपको इमेज में दिख रहा ही होगा कि इस टाइप का हमारा साइफिनिक एक्वीडक्ट होता है ओके टाइप टू ड्रेनेज पासिस ओवर कैनाल मान लो कि ये हमारी कैनाल है इसके ऊपर से ड्रेनेज जा रही है ठीक है तो पहला क्या है हमारा पहला है सुपर पैसेज जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है इस टाइप का हमारा सुपर पैसेज होता है ठीक है तो इसका पहला पॉइंट पढ़ दे रहा the मैं दफेस एल ऑफ द कैनाल इज ब्लो द ड्रेनेज ट्रफ इन दिस इन दिस स्ट्रक्चर ठीक है द वाटर इन द कैनाल फ्लोज अंडर ग्रेविटी एंड प्रोसेस द एटमोस्फेरिक प्रेशर आपको समझाता हूँ मैं डायग्राम से कि जो हमारा कैनाल है ये नीचे से आ रही है और ये रिवर ऊपर उप, से आ रही है ऐसे ये कैनाल है और ये रिवर है है, तो कैनाल ऐसे आ रही है रिवर ऐसे जा रही है ओके तो इसका क्या है कैनाल का एच सॉरी कैनाल का एफ एस एल कैनाल का एफ एस एल और रिवर का एच एफ एल ठीक है तो क्या ये रिवर का ट्रफ से कैनाल का एफ एस एल के बीच में क्लियर डिस्टेंस रहेगा ठीक है और ये इधर का एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा और ये ग्रेविटी पे रन करेगा ठीक है तो वही मैंने इधर लिखा है कि इधर एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा और फ्लोज अंडर ग्रेविटी ओके इसका सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है दिस इज सिंपली रिवर्स ऑफ एक्विडक्ट स्ट्रक्चर जैसे एक्विडक्ट स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ जैसे एक्विडक्ट स्ट्रक्चर ये था ठीक है और अपना सुपर पैसेज ये है, ओके okay. तो बस एक तरह से इसमें डिफरेंस क्या है बस रिवर्स हो गया इधर कैनाल था इधर अब रिवर आ गई पहले इधर रिवर थी इधर कैनाल आ गया ठीक है तो एक तरह से बस ये रिवर्स रिवर्स ऑफ ऑफ सिंपली स्ट्रक्चर ओके इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो ठीक है कि कैनाल का एफ है वो रिवर के ड्रफ से नीचे रहता है यानी कि बीच में क्लियर डिस्टेंस रहता है ठीक है मैंने आपको बता दिया रिवर का जो हाइएस्ट पॉइंट होता है इसको एच बोलते हैं और कैनाल को केनाल के, के पॉइंट को एफ बोलते हैं ओके okay, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका जो कि सेकेंड टाइप साइफिनिक सुपर पैसेज और कैनाल कैनाल साइफन जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है इस टाइप के सी डी वर्क्स को हम लोग साइफन सुपर पैसेज बोलते हैं या फिर कैनाल साइफन बोलते हैं ठीक है कुछ नहीं ये बहुत सिंपल है जो अपना था ना साइफन एक्डक्ट साइफन एक्डक्ट उसका जस्ट अपोजिट ही है अपोजिट कैसे है इधर पहले कैनाल थी ठीक है तब इधर स्ट्रीम यानी रिवर आ जाएगी इधर पहले रिवर थी तो इधर कैनाल आ जाएगा ठीक है तो वही मैंने इधर सेकेंड पॉइंट में लिखा है दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ साइफन एक्टक्ट ओके इसका पहला पॉइंट पढ़ दे रहा मैं इन अ कैनाल साइफन ड्रेनेज इज कैरीड ओवर कैनाल सिमिलर टू दिस सुपर पैसेज बट दफ एस एल ऑफ कैनाल इज अबव देन द्रफ सो दी कैनाल वाटर फ्लो अंडर साइफिनिक एक्शन एंड देयर इज नो प्रजेंस ऑफ एटमोस्फिकेशर इन कैनाल ठीक है कि एक तरह से सिमिलर है सुपर पैसेज का सुपर पैसेज था ना उसके जैसा ये सेम ये ठीक है बट डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि पहले उनके बीच में एक क्लियर डिफरेंस था ठीक है कैना इधर से जा रही थी कैनाल के एफ एस एल में और इधर स्ट्रीम के ट्रफ में इधर काफ़ी डिफरेंस था ठीक है इधर एटमोसफिक प्रेशर था ठीक है और अंडर ग्रेविटी फ्लो कर रहा था वो ओके लेकिन इसमें क्या है इसमें क्या है कैनाल का एफ है ना और स्ट्रीम के ट्रफ में इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है ये ऊपर फ्लो कर रहा है हालांकि रिवर यानी ये रिवर है ना ये रिवर अभी भी ऊपर ही फ्लो कर रही है इसके कैनाल के लेकिन इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है तो वही मैंने इधर बोला है और ये जो अपना पानी है ये साइफनिक एक्शन में साइफ अंडर दी साइफनिक एक्शन ये रन कर रहा है ठीक है मैंने आपको बताई दिया साइफनिक एक्शन क्या होता है ये इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था ओके यानी ये इक्वल लेवल पे जब तक तो पानी नहीं आता तब तो तक ये पानी रन करता रहता है ओके और इधर एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं है देर इज नो प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर इन कैनाल ओके एक मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताऊं याद करने का एक्चुअली क्या है कि मैं कॉलेज टाइम में मैं बहुत कंफ्यूज होता था इन सब में कि कैनाल ओवर ड्रेनेज ड्रेनेज ओवर कैनाल इनके दोनों पॉइंट मिक्स कर दिए ठीक है ये वाला इसमें लिख दिया ये वाला इसमें लिख दिया तो मैंने एक बहुत सिंपल तरीका निकाला था कॉलेज में हालांकि आपको आपने याद कर रखे होंगे नो no डाउट लेकिन मैं एक बस बता रहा हूँ बस कि कैसे याद रखे थे मैंने एक्चुअली क्या होता है ड्रेनेज ओवर कैनाल यानी रिवर ओवर कैनाल ठीक है तो क्या रिवर ऊपर है अपनी तो रिवर एक तरह से क्या रिवर में ज्यादा पानी बहता है और कैनाल के कंपैरिजन में तो यानी रिवर सुपीरियर है अपनी यानी सुपर है अपनी ठीक है तो रिवर ओवर कैनाल में क्या होता है सुपर वाले पॉइंट आते हैं दोनों सुपर पैसेज या फिर साइफन सुपर पैसेज ठीक है और दूसरे वाले में आप याद कर ही लोगे कि और साइफन एक्यूडक्ट ठीक है तो ये मैंने याद करने का तरीका निकाला था कि रिवर ऊपर है तो रिवर ओवर कैनाल ठीक है रिवर सुपीरियर है अपनी यानी रिवर में ज़्यादा पानी बहता है यानी सुपर है अपनी रिवर तो इसलिए ये दोनों पॉइंट आते हैं सुपर पैसेज और साइफन सुपर पैसेज ओके अब तीसरा टाइप डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ड्रेनेज एंड कैनाल एट सेम लेवल यानी ये रिवर और ये अपनी जो कैनाल है वो सेम लेवल पे है ठीक है दो तरह की होती है ये पहला पॉइंट कौन सा है इसमें लेवल क्रॉसिंग और सेकेंड है इनलेट एंड आउटलेट ओके okay. तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लेवल क्रॉसिंग तो पहला कौन सा अपना लेवल क्रॉसिंग ठीक है इसमें क्या अपना इसमें एच एफ एल जो है वो बराबर है एफ एस एल के ठीक है वही मैंने आपको बता दिया कि रिवर और ये अपने कैनाल दोनों सेम लेवल पे हैं ओके तो इसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है वैन दी वैन दी बेड लेवल ऑफ कैनाल एंड स्ट्रीम आर अप्रोक्सीमेटली क्वालिटी ऑफ वाटर इन कैनाल एंड स्ट्रीम इज नॉट मच डिफरेंट दी सी डी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड इज कॉल्ड लेवल क्रॉसिंग वही मैंने आपको बताया अभी कि जब ये अपनी रिवर और जो कैनाल है वो दोनों सेम लेवल पर है और दोनों की जो पानी की क्वालिटी है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें दोनों की क्वालिटी में पानी की क्वालिटी में तो हम क्या अलाउ कर देते हैं दोनों के पानी को मिक्स होने के लिए क्योंकि ये कैनाल का पानी जो है और जो रिवर का पानी है इन दोनों की पानी की क्वालिटी सेम ही है ठीक है तो हम लोग अलाउ कर देते हैं ओके okay? तो वही मैंने ध्यान लिखा है और इस टाइप के सी डी को हम लोग क्या लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं ओके okay? उसके बाद है सेकेंड पॉइंट इन लेवल क्रॉसिंग वाटर इज अलाउड टू मिक्स वही मैंने आपको बता दिया कि दोनों के पानी को हम लोग अलाउ कर देते हैं मिक्स होने के लिए ओके थर्ड पॉइंट क्या है विद दी हेल्प ऑफ रेगुलेटर बोथ इन दी कैनाल एंड स्ट्रीम वाटर इज डिस्पोज थ्रू केनाल एंड स्ट्रीम इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ठीक है ये इसका डायग्राम है तो यानी रेगुलेटर की हेल्प से इन रेगुलेटर की हेल्प से दोनों में जितना भी क्वांटिटी पानी चाहिए हम लोग दे सकते हैं ओके वही मैनेजर लिखे हैं कि लेवल क्रॉसिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये इसके कंपोनेंट्स हैं स्ट्रीम रेगुलेटर कैनाल रेगुलेटर और क्रिस्टवॉल ये क्रिस्टवाल है ये हमारा कैनाल है तो ये कैनाल रेगुलेटर ये हमारी रिवर है तो इसलिए रिवर रेगुलेटर ओके इसके बाद सेकेंड है इनलेट एंड आउटलेट ठीक है तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है इस टाइप का होता है हमारा इनलेट एंड आउटलेट ओके ये एक बार पॉइंट पढ़ दे रहा हूं वेन द इिगेशन कैनाल मीट ड्रेन एट सेम लेवल ड्रेन इज अलाउड टू एंटर कैनाल एज एन इनलेट

तो हम लोग क्या करते हैं किसी भी एक पॉइंट पे स्ट्रीम को अलाउ कर देते हैं कि ये कैनाल में आके मिक्स हो और किसी अदर पॉइंट पे हम लोग क्या इससे पानी निकाल लेते हैं आउटलेट पे मतलब आउटलेट से हम लोग पानी निकाल लेते हैं और ये एक्चुअली क्या है यार अगर हम लोग ऐसा ना करते तो ऐसे पानी सीधे आती मतलब ये स्ट्रीम जो अपने ये सीधे आता पानी ठीक है स्ट्रीम का पानी सीधे आता ठीक है तो इसको हम लोग फिर ऐसे करके हम लोग जिसके डायरेक्शन जो इनिशियली जो उसका डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में इसको फ्लो करा देते हैं ओके तो ये तो हो गया हमारा इनलेट एंड आउटलेट ओके अब हम लोग देखते हैं सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ सी डी वर्क ठीक है यानी हम किन किन पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सी डी वर्क उधर बनाना है ठीक है पहला पॉइंट क्या है रिलेटिव बेड लेवल ठीक है इसका मतलब ये पहला पॉइंट का मतलब कि बेड लेवल के अकॉर्डिंग जैसे हमारी रिवर है ऐसे जा रही है और एक कैनाल ऐसे जा रहा है ठीक है तो हम लोग क्या हम लोग कौन सा बनाएंगे फिर फिर हम लोग इनके अकॉर्डिंग बनाएंगे ठीक है इनमें से कोई सा भी जो सूटेबल होगा वो बनाएंगे अगर नहीं तो हमारी रिवर ऊपर से आ रही है और कैनाल नीचे से आ रही है ठीक है तो हम लोग फिर इनके अकॉर्डिंग बनाएंगे ओके सेकंड पॉइंट क्या बोलता है अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल फाउंडेशन ठीक है इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या जब भी सी डी वर्क बनाते हैं ना तो उसके लिए एक फ़ाउंडेशन इतनी तो होनी चाहिए इस टाइप ता, से होता है ठीक है अगर वो फाउंडेशन या वो मतलब हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं अगर वैसी फाउंडेशन नहीं है तो फिर हम लोग साइट के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं फिर ओके थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिकल कंसिड्रेशन या फिर हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक कंसिड्रेशन यानी हमारा जो सी डी वर्क है वो प्रोजेक्ट के बजट के अंडर ही आना चाहिए ओके फोर्थ पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ दी ड्रेनेज ठीक है एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो रिवर वगैरह होती है उसमें डिस्चार्ज uh, वगैरह क्या कोई सर्टेन नहीं होता कि सर्टेन नहीं होता कि मतलब उसमें कितना भी पानी आ सकता है यानी बरसात ज़्यादा हो गई तो पानी नदी में ज़्यादा आ गया ठीक है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही केयरफुली uh, डिजाइन करना चाहिए हमारा सी डी वर्क है उसके अकॉर्डिंग ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए ओके तो ये तो थे हमारे पॉइंट सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ सी डी वर्क ओके तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि सी डी वर्क्स क्या होते हैं ठीक है इनके हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इनके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपका सजेशन है कि मैं किस टॉपिक का वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएँ और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच बाय